नमस्ते दोस्तों, फ्रेशली बेक किए हुए ब्रेड खाना किसे पसंद नहीं है, और अगर उसे घर पे ही बनाए तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। अगर हम आपको इजी रेसिपी बताएं, वो भी हेल्दी इंग्रेडिएंट्स के साथ, जैसे कि आटा, ओट्स और शहद, तो आप ज़रूर ट्राई करना चाहेंगे, है ना? आप देख रहे हैं DCIRT, और DCIRT रेसिपीज़ में आज हम आपके साथ शेयर करेंगे होल व्हीट हनी ओट्स ब्रेड। ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले हमें ईस्ट को एक्टिवेट करना है। इसके लिए एक बोल में 1 और 1/3 कप गुनगुना पानी लीजिए। और इसमें 3 टेबलस्पून मेल्टेड बटर डालें। अब इसमें 1/4 कप शहद, 2 और 1/4 टीस्पून एक्टिव ड्राई ईस्ट डालें। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। इसके ऊपर जब बबल्स और झाग आए तो इसका मतलब ईस्ट एक्टिवेट हो चुकी है। इस मिक्सचर को 5 से 7 मिनट रखें। अब एक बड़े बोल में 3 कप आटा लीजिए। उसमें 1 कप ओट्स मिलाइए। हमने क्विक ओट्स ली है, आप कोई भी रेगुलर ओट्स ले सकते हैं। 1/3 कप मिल्क पाउडर और 2 टीस्पून नमक डालकर अच्छे से मिलाएं। अब देखिए ईस्ट एक्टिवेट हो चुकी है कि नहीं। अगर हो चुकी है तो इस ईस्ट के मिक्सचर को आटे के मिक्सचर में मिला दीजिए। एक फ्लैट सरफेस पे थोड़ा सूखा आटा छिड़क कर उस पे आटे का मिक्सचर डालें। उस पर 1 टीस्पून तेल डालकर इसे नीड करने लगे। यहाँ पर हमें पुल और फोल्ड मेथड यूज करनी है। देखिए, हमने दिखाया है कि पुल और फोल्ड मेथड कैसे करनी है। इस वक्त आपको ये डो काफ़ी स्टिकी लगेगी, पर इसमें सूखा आटा नहीं मिलाइए, नहीं तो ब्रेड हार्ड बेक होती है। आप जैसे नीड करते रहेंगे तो डो सारा मॉइस्चर सोक कर लेगा और सॉफ्ट और नॉन स्टिकी बन जाएगा। इस डो को आपको 20 से 25 मिनट नीड करना है। जब ये बन जाए तो इसे अच्छे से फोल्ड करके सील कर ले, जैसे हमने आपको दिखाया है। अब एक बोल में तेल डालकर ग्रीस कर ले और सारा डो उसमें रख दें। डो पर ऊपर से भी थोड़ा तेल लगा ले। अब इसे कवर करके 1.5 घंटे तक, या जब तक कि ये डो डबल नहीं होती है तब तक रखें। 1.5 घंटे के बाद देखिए डो कितनी ऊपर आ चुकी है। अब फ्लैट सरफेस में थोड़ा आटा छिड़क कर ये डो उस पर रख दे। हल्के से हमें डो को फैलाकर एक सिलिंड्रिकल शेप देना है। डो को अगर हम हार्ड प्रेस करेंगे तो ब्रेड हार्ड होगी।
हल्के हाथों से ही इसके एडजस्ट को फोल्ड करते हुए सील कर ले। एक लोफ पैन को बटर से ग्रीस कर ले। हमने यहाँ पर 8x4 इंच की पैन ली है। अगर आप छोटा पैन लेते हैं तो ब्रेड उसमें काफ़ी ऊपर आएगी और आपको बड़े स्लाइसेस मिलेगी। बड़े पैन में डो इतनी ऊपर नहीं आएगी और वो छोटे स्लाइसेस बनेगी। अपने पसंद अनुसार आप पैन ले सकते हैं। अब इस डो को ग्रीस्ड पैन में रखें और इस पे प्लास्टिक फॉइल से ढक ले। इसे 30 मिनट तक रखें या जब तक कि डो ऊपर नहीं आती तब तक रखें। डो को कितनी देर रखना है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। वार्म टेम्परेचर में डो अच्छे से प्रूफ होती है। अब हम ओवन को प्रीहीट करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस में या 350 डिग्री फ़ारेनहाइट्स में। जब हमारी ब्रेड डो अच्छे से प्रूफ हो चुकी है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा शहद लगा लेंगे। शहद को हमने 20 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव किया है। इससे शहद थोड़ी पतली हो जाती है और हमें डो पर लगाने में आसानी होगी। अब ऊपर से ओट्स स्प्रिंकल कर दें। और इसे तुरंत बेक करने रख दें। इसे 30 मिनट तक बेक होने देना है। उसके बाद हम एक एल्यूमिनियम फॉइल से ब्रेड को कवर कर लेंगे और 15 मिनट और बेक करेंगे। फॉइल से कवर करने पर ब्रेड ऊपर से डार्क नहीं होती है। बेक होने पर इसे ओवन से बाहर निकालें और उसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगा लें। अब इसे हमें एक गीले कपड़े से 5 मिनट तक कवर करना है। 5 मिनट से ज़्यादा रखेंगे तो ब्रेड सॉगी हो जाएगी। अब ब्रेड को पैन से निकाले और ठंडा होने दें। पूरी तरह जब ये ठंडी हो जाए तो इसके स्लाइसेस काट लें। घर पे ही बने इस होल व्हीट हनी ओट्स ब्रेड को आप जैम, बटर या अंडों के साथ खा सकते हैं। हनी और ओट्स ये ब्रेड को काफ़ी यम्मी टेस्ट देता है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी वो हमें कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं। ऐसे ही और रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें।